क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, 3x का पावर 4 प्लस 6x पावर क्यू माइनस 2x वर्ग और माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक रूट अंडर 5/3 और माइनस में 5/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सभी शून्यांक यानी के ठो शून्यांक हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अगर अधिकतम पावर अगर 4 रहेगा तो इसका सभी शून्यांक क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे यहाँ पे दिखाती बहुपद में 2x² प्लस में 4x प्लस में 10, ठीक है। अगर इसका पावर 2 रहता है तो x इक्वल टू 2 का आंसर आता है, या तो 4 हो या तो फिर माइनस में 2 हो, ठीक हो। अगर इसका पावर 2 रहता है तो इसका शून्यांक 2 ही आएगा। तो यहाँ पे पावर अधिक कितना, 4 है, तो इसका शून्यांक क्या को आएगा, 4 को आएगा। जिसमें से आपको दो शून्यांक दे दिया गया है, ये और ये आपको दे दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है सभी शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो दो को दे दिया है तो दो को और आपको निकालना होगा, ठीक है। ये शून्यांक कहाँ से आता है, x बराबर आता है नहीं, तो यहाँ पे x में फॉर्म के रूप में लाइए x। यहाँ पे देखिए प्लस है नहीं कुछ, तो यहाँ प्लस में कर दिए रूट अंडर 5/3 और एक हो गया x, ये माइनस है तो माइनस में रहने दीजिए 5/3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला के फॉर्म में तोड़ दिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पे तोड़िए, यहाँ पे रख दिए x का स्क्वायर और माइनस और b का वैल्यू हो गया रूट 5/3 पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो x का x स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ पे रूट सिर्फ दे, यहाँ पे किसू पे अगर स्क्वायर, अगर रूट पे स्क्वायर रहता है तो केवल रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, सिर्फ क्या बच गया 5/3 बच गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको और उससे डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। अभी फार्मूला हटा देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे थे। अब क्या कीजिएगा, उसके बाद इसको इससे आप डिवाइड दीजिए तो दो फैक्टर में इसको टूट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3, ठीक है। आपको रखना है 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, जो आपको 3x⁴ आ जाएगा, यहाँ पे x² केवल, यहाँ पे क्या सिर्फ x² है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ रख दीजिए आप 3, ठीक है। यहाँ x⁴ लाना है, यहाँ पे 2 को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए x², तो आपका हो गया 3x⁴, ठीक है। इसी को हम किससे इंटू करते हैं, सेकेंड वाला से, तो माइनस में 5/3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3x² से, 3 कट जाए तो बच गया क्या, माइनस में 5x² माइनस में 5x², तो ये दोनों इसका चिन्ह बदल, उसके बाद देखिए यहाँ से चिन्ह बदलता है, प्लस से माइनस, ये माइनस से हो गया प्लस, ये दोनों कट गया, इसका चिन्ह ब्लॉक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर का ये जाती है, ठीक है, ये और ये एक जात का है, तो सबसे पहले जिसका पावर अधिक रहता है पहले, सबसे पहले वो उतरता है, तो उतार दिए 6x³, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस घटा दिए, यानी 5 में से 2 गया 3x², और सबसे बड़ी संख्या 5 है, इसीलिए यहाँ पे 5 उतार दिया। अब जो बचा सो उतार दिया, माइनस में 10x माइनस में 5। अब आपको हर हाल में कितना लाना है, 6x³ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रख दिए, यहाँ पे 6 रख दिए, क्योंकि आपको 6x³ लाना है, यहाँ पे सिर्फ x² है तो केवल यहाँ पे x और रखिए, यहाँ 6x³। फिर इसी को 6x को 5x³ से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/3 मल्टीप्लाई किससे करना है, 6x है, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ हो गया 3 × 3 3 × 2 = 6, ठीक है। तो 5 × 5 5 × 2 = 10, माइनस में कितना हो गया 10x हो गया। उसके बाद चिन्ह बदल दिए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इसका चिन्ह खत्म, ये दोनों कट गया और ये माइनस में ये प्लस में एक जाति का, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, स्क्वायर वाला जाति, अब उतार दिए 3x² माइनस में 5। अब आपको कितना लाना है, 3x² लाना है, ठीक है। तो स्क्वायर तो सिर्फ है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस में 3 ले लिए, प्लस में 3 हो गया, तो यहाँ हो गया 3x². इसी को फिर किससे इंटू करेंगे, इसे, तो यहाँ पर देखिए 3 क्या हो गया, कट गया, तो माइनस में सिर्फ 5 बच गया। अब यहाँ पे चिन्ह बदल दिए, माइनस से प्लस, इसका चिन्ह ब्लॉक, ये प्लस से माइनस, ये दोनों को दोनों कट गया, ठीक है, ये 0 आना ही है, ठीक है। तो अभी तो इसको हम फैक्टर कीजिए, अब क्या कीजिएगा, इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा, उसके बाद ये बनाने के बाद ये बनाइएगा, उसके बाद इसको फैक्टर कर लीजिए,
थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स प्लस में थ्री इक्वल टू क्या गया जीरो। ठीक है, क्या कीजिएगा इसको बीजगुणनखंड कर लीजिए। तो बीजगुणनखंड कैसे किया जाता है, यहाँ पे इसको तोड़ दिए, थ्री थ्री या कितना हुआ नाइन हुआ, तो नाइन को ऐसा फैक्टर किए जोड़ने घटाने पे छः आना चाहिए, तो थ्री थ्री या नाइन, तो तीन तीन कितना हो गया छः हो गया। ठीक है, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स फिर प्लस में थ्री एक्स और प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से कॉमन निकाल दिए थ्री थ्री और एक्स एक्स भी कॉमन निकल गया, तो बच गया थ्री भी निकल गया एक्स एगो बच गया प्लस का प्लस, यहाँ थ्री भी निकल गया एक्स भी निकल गया बच गया ना कुछ तो वन। ठीक है, अब यहाँ पे सेम टू सेम एक घर में उतार दिए एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए क्या रखिएगा, जो इसको इसे मल्टीप्लाई करने पे थ्री एक्स आना चाहिए, तो प्लस में थ्री तो आ जाएगा प्लस में थ्री एक्स। अब यहाँ से दो को उतार दीजिए एक्स प्लस में वन और ये वो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, दो खंड बनाइए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एगो थ्री एक्स प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में वन एक आंसर आ गया, और एगो थ्री एक्स इक्वल टू प्लस है माइनस थ्री और गुणा से गया भागा माइनस थ्री वाई में थ्री। ठीक है, तो ये भी करके कितना दिया माइनस में वन ही देगा। ठीक है।